कि आपके माउस का राइट क्लिक बटन फेल हो गया है और आपके पास सेकंड माउस भी नहीं है, तब तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी की के बारे में जो आपके कीबोर्ड पे तो है लेकिन आपने अभी तक यूज़ नहीं की है और ना ही उसका नाम सुना है। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो टिप्स बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है उस पर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन का बटन शो होगा, उस पर भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंड्स अगर आपके पास इस टाइप का कीबोर्ड है तब तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस टाइप के कीबोर्ड से मेरा मतलब है कि जिसमें इस टाइप की सारी कीज़ हों। तो चलिए फ्रेंड अपने कीबोर्ड को गौर से देखिए और आप उस कीबोर्ड पे ये वाली की सर्च कीजिए, सर्च कर लो यार, आई होप वो की आपको मिल गई है। तो चलिए फ्रेंड मैं बता देता हूँ इसकी का नाम क्या है, इसकी को कहते हैं मेन्यू कीज़। तो फ्रेंड आप अब जान ही गए होंगे कि ये की आपको कहाँ पे यूज़ करनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। फ्रेंड जब कभी भी आपका जो माउस है उसका राइट क्लिक बटन फेल हो जाता है तब की आपको ये यूज़ करनी है। तो कैसे यूज़ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जिस भी फाइल फोल्डर या आइकन पे आपको राइट क्लिक करना है उस फाइल फोल्डर या आइकन पे सबसे पहले आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना होगा वन टाइम, उसके बाद इस मेन्यू की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इस मेन्यू की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो ऑप्शन आप माउस के राइट क्लिक करने पे आपको शो होते थे वो इस मेन्यू की को प्रेस करने से शो हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो यार, शेयर करो। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप नीचे जो सब्सक्राइब का आइकन शो हो रहा है उस पर प्रेस करें, प्रेस करते ही आपको बेल आइकन शो होगा, उस पर बेल आइकन पे भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।